उत्तराखंड सरकार भले ही अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाने का लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हरिद्वार जिले में अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज सैकड़ों छात्रों ने रैली निकालकर जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा और इस बाबत मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति के छात्रों ने स्कॉलरशिप न मिलने के कारण जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनुसूचित छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। आज तक भी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे इस वर्ग के लोगों में बेहद गुस्सा है। जिले हरिद्वार के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है, सब जानते हैं। इस भेदभावपूर्ण रवैये के शिकार हमारे जो छात्र के बच्चे जो है उच्च शिक्षा तकनीक शिक्षा में जो पढ़ रहे हैं, इनका वर्ष 2014-15 का स्कॉलरशिप और फीस अब तक जारी नहीं हुई। इससे बच्चे जो है ना बहुत मानसिक अपना संतुलन खोए हुए हैं, बड़ी परेशानी में अपना अध्ययन कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही। छात्र छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही समाज कल्याण ने उन्हें छात्रवृत्ति न दी तो अनुसूचित जाति के लोग देहरादून विधानसभा का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार भी छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो हम जन आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन ये नहीं कि रुड़की में होगा या फिर कहीं हरिद्वार में होगा, ये पूरे उत्तराखंड में जन आंदोलन होगा और ये पूरे उत्तराखंड में पूरे भारत में जन आंदोलन करेंगे और विधानसभा को घेरना काम करेंगे। भले ही सरकार बिना पक्षपात किए छात्रों को तमाम सरकारी सुविधाएं देने की बात करती हो, लेकिन हरिद्वार जिले में हुई इस घटना ने सरकार की तमाम पोले खोल कर रख दी है।